गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन द चैप्टर रूरल डेवलपमेंट द टॉपिक इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम कैसे एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग उनके जो भी प्रोडक्शन है उसको हम लोग सेल करते हैं या स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस वगैरह बनाते हैं कैसे असेंबल करते हैं ग्रेडिंग करते हैं और तब उसको हम लोग अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं कि कैसे हम उस प्रोड्यूस को संभाल के रखते हैं और उसको बेचते हैं यू कैन सी द डेफिनेशन हियर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व दी असेंबलिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ अक्रॉस दी कंट्री ये मार्केटिंग से ही हम जो है अपने जो फार्मर है अपने प्रोड्यूस को ईजिली अच्छे दाम पे बेच सकता है रीजनेबल रेट पे बेच सकता है अपने प्रोड्यूस को अपनी कंट्री के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है वो उसको डिस्ट्रेस सेल करने की नीड नहीं है देन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट ने कौन कौन ने से इनिशिएटिव लिए रेगुलेशन ऑफ मार्केट गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि मार्केट बनाई रेगुले रेगुलेटरी मार्केट दैट मीन्स पीरियोडिक मार्केट जैसे हम लोग कहते हैं ना संडे मार्केट वेंसडे मार्केट सैटरडे मार्केट वैसे कि इससे क्या है फार्मर्स को तो बेनिफिट हुआ ही हुआ कस्टमर्स को भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ कि एक पर्टिकुलर मार्केट बनी हुई है वहीं जाके लेना है ना तो फार्मर्स के पास कम पैसा जाएगा ना कंज्यूमर्स को एक्सप्लाइट किया जाएगा और ना कोई मीडिएटर रह गया मीडिएटर भी हट गया डायरेक्टली आप मार्केट में जाके अपना प्रोड्यूस कस्टमर्स को डायरेक्टली बेच सकते हैं तो कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिला और फार्मर्स को भी अपना हिस्सा मिल गया जो रीजनेबल रेट था वो मिल गया देन वी टॉक अबाउट प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया वेयर हाउस बना देना कोल्ड स्टोरेजेस बना देना रोड रेलवेज बनाना जिससे कि हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकें वेर गोडाउन बनाना जिससे कि हम लोग जो हैं इनका जो भी प्रोड्यूस है फार्मर्स का फार्मर्स को इतना ज़्यादा हेल्प मिल जाए कि वो इजीली अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकें अगर उन्हें अभी अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है तो वो कुछ टाइम बाद बेच लें दे शुड हैव द फैसिलिटी ऑफ द स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज इफ दे आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ दीज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉट दे विल डू दे हैव टू डू द डिस्ट्रेस सेल अदरवाइज उनका सामान खराब हो जाएगा बिकेगा नहीं तो इसीलिए ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने अपना ध्यान दिया और अपना प्रोविजन बनाकर इनके ऊपर भी खर्चा किया ऑल अभी भी हमारी ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अभी इनएडिकुएट है अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मार्किटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है ये थर्ड एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया जहाँ पे गवर्नमेंट ने सोसाइटी बनाई जो कि फार्मर्स का जो भी प्रोडक्ट है उसको फेयर प्राइस पर बिकवा सके उससे हट के हम लोग ये बात कर सकते हैं कि देन वी टॉक अबाउट सक्सेस ऑफ़ मिल्क मिल्क कोऑपरेटिव्स मिल्क कोऑपरेटिव्स में क्या आ जाएगा जैसे जो हमारे जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं जो भी डेयरी वाले हैं वो सब अपने मिल्क को बिल्कुल इकट्ठा करके आपस में कलेक्टिवली उसको सेल करें तो वो शायद बार्गेनिंग उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि अगर अलग अलग हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उसके अंदर हम ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकते लेकिन जब सभी फार्मर्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और अपने हिसाब से रेट कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी कलेक्टिव सेल में राइट right? तो इसके लिए अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हर चीज के लिए जैसे मार्केटिंग के लिए हो गया क्रेडिट के लिए हो गया या उनके सेल के लिए हो गया ये सारी चीजें बनाना जरूरी था इसके बाद आ जाता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में आगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है वैन द गवर्मेंट अश्योर द फार्मर्स दैट दे विल बी गिवन मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय द गवर्नमेंट इफ इफ द प्रोड्यूज इज लेफ्ट विद दैम एंड दे कैन सेलेक्ट टू द गवर्मेंट एंड दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइज विल भी गिवन टू द फार्मर्स एंड दैट प्राइज इज ऑलवेज द हाइर दैन द मार्केट प्राइस अवेलेबल राइट तो इसमें फार्मर्स आर एनकरेज टू प्रोड्यूस मोर बिकॉज दे नो दैट द गवर्मेंट विल बाय फ्रॉम दैम एंड गमेंट प्रोवाइड दैम रिजनेबल प्राइसिस ऑल्सो सो तो गवर्नमेंट जो फार्मर्स है वो एनक्रेज होकर ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं मेनटेनेस ऑफ बवर स्टॉक बफर स्टॉक्स अभी गवर्मेंट क्यों खरीद रहा है गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग इट्स बवर स्टॉक्स बिकॉज एट द टाइम ऑफ नैचुरल डिजास्टर नेचुरल क्लामिटी गवर्नमेंट नीड अ लॉट ऑफ फूड फूड स्टॉक्स तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया